मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है और आज हमारे साथ हैं तहलीम विलियम, लुबना टोनी विलियम। खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके हुजूर अपने सरों को झुका सकें और दुआ कर सकें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। दुआ में हमारी मदद कौन करेगा? खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के मौके के लिए कि तूने हमें अपने पास आने का मौका बख्शा। दुआ करते हुए, इबादत में, कलाम पढ़ते हुए तू हमारी रहनुमाई करना। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आए हम खुदावन की प्रस्तुति में आगे बढ़ें और हम एक गीत के साथ खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और मैं अपनी बेगम से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें बताएं कि आज हम कौन सा गीत खुदावन के जुल गाएंगे। हम गाएंगे गीत नंबर 42, ऐ बाप तू बरकत दे। खुदावन के हजूर उसके कलाम को सुने, अपनी तवज्जो खुदावन के कलाम की तरफ लगाएं और मेरे साथ खुदावन के कलाम की तलावत करेंगे। यसाया नबी का सहीफा, उसका 52वां बाब और उसकी 12वीं आयत की तलावत पहले हम अंग्रेजी में सुनेंगे। यसाया चैप्टर 52 वर्स 12, बट यू विल नॉट लीव इन हैजर्ड और गो इन फ्लाइट, फॉर द लॉर्ड विल गो बिफोर यू, The God of Israel will be your rear guard. Amen. Amen. अब हम खुदावन के कलाम की तलावत उर्दू में सुनेंगे। जी, please. क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वालों की तरह चलोगे, क्योंकि खुदावन तुम्हारा हरावल और इसराइल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा। आमीन। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये वक्त बख्श दिया कि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें और खुदा पाक रूह तुझसे समझ सकें और बख्श दे कि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और 30, 60 और 100 गुना फल लाए। मसीह खुदावन के नाम में मांगते हैं। बनी इसराइल कौम
जब बेशुमार जंगों में अपने दुश्मनों के साथ मसरूफ रहते थे, तो जंग जीतने पर भी और जंग हारने पर भी एक ही रवैया होता था कि जब कोई जंग जीतता था तो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि जल्दी जल्दी उस जगह से निकलते थे कि कहीं से कोई पीछे से छुपा हुआ दस्ता उन पर हमला आवर ना हो जाए, और अगर वो जान बचा के भागते थे तो वो फिर तेज़ी से भागते थे ताकि किसी तरीके से अपने दुश्मनों के हाथ से या उनकी हद से बाहर निकल जाएं, ताकि कि उनके दुश्मन जो उनके पीछे आ रहे हैं उनको मारने के लिए उनको मार ना दे। यहाँ पर खुदा उनको दोनों हालतों से बचाने के लिए वादा देता है। मैं जब अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी तलावत सुन रहा था तो उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी वजाहत हमारे सामने आती है, और यहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वालों की तरह चलोगे, कि ना तो तुम्हें भागने की ज़रूरत होगी कि भाग के जान बचाओ, और ना ही तुम तेज़ तेज़ चलोगे कि किसी तरीके से जल्दी यहाँ से निकल चलें। लेकिन ऐसा होगा क्यों? अभी पिछले दिनों एक गीत था जो मुझे बहुत पसंद था, तेरे अग्गे अग्गे चलेगा तेरे नाल रहेगा, अज तेरियाँ लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा। जब मैं ये गीत सुनता था तो मुझे बिल्कुल ये आयत याद आ जाती थी, और मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे सामने एक मंजर चल रहा है कि खुदा और उसकी कुव्वत और कुदरत जो है वो मेरे आगे आगे चल रही है और उसकी हिफाजत मेरे पीछे चल रही है। कई मरतबा जब हम खुदा उनके हजूर जाते हैं खिदमत के मैदान में और यहाँ वहाँ, तो कई दफ़ा बड़ी बड़ी परेशानियों में भी फंस जाते हैं। कई दफ़ा हमारे सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी गाड़ी को छीनना चाहते हैं, हमें किसी तरीके से लूटना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हमें हमेशा एहसास होता है इसका, क्योंकि खुदावंद यहोवा तुम्हारा हरावल और इसराइल का खुदा तुम्हारा चंडावल है। जब भी जंग लड़ी जाती थी तो दो जो दस्ते होते थे बड़े अहम होते थे, एक वो दस्ता जो बिल्कुल आगे खड़ा होता था, जो जाके जंग शुरू करता होता था, और वो दस्ता जो था वो बहुत ताकतवर और बहुत ताज़ा दम फौजियों का दस्ता होता था, जिसका काम ही होता था कि उसने जाके जंग शुरू करनी है और जो सामने वाला दस्ता है या सामने वाली जो फौज जो है उसको शिकस्त दे देनी। और दूसरा दस्ता होता था चंडावल, जो सबसे पीछे खड़ा होता था। जब हम अंग्रेजी में पढ़े थे तो अंग्रेजी में इसका क्या लिखा था यहाँ पर? रेयर गार्ड। रेयर गार्ड, पीछे हिफाजत करने वाला। तो चंडावल का मतलब है पीछे से हिफाजत करने वाला, और हरावल का मतलब है आगे से हिफाजत करने वाला। और ये दो दस्तों के नाम होते थे, एक आगे से हरावल आगे हिफाजत करता था और चंडावल पीछे हिफाजत करता था। और वो कहता है कि ना तुझे कहीं से जान बचाकर भागने की ज़रूरत है और ना ही तुझे कहीं से तेज़ तेज़ चल के निकलने की ज़रूरत है, तुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तेरे आगे चल रहा है वो भी इसराइल का खुदा है और जो तुझे पीछे से बचा रहा है वो भी इसराइल का खुदा है। इसलिए तुझे किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खौफ तो तब हो जब हमें लगे कि हम पे पीछे से हमला हो सकता है, खौफ तो तब हो जब हम तारीकी में जा रहे हों और लगे कि सामने से कोई ऐसा हमारा दुश्मन आ जाएगा जो हमारे सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। अगर दुश्मन मुश्किल खड़ी भी कर देगा तो इसराइल का खुदा जो हमारा यहोवा खुदा है, जिसने अपने बेटा बख्श दिया, वो हमारी हिफाजत करने के लिए हमारे आगे भी चलता है और हमें पीछे से भी बचाता है और हमें हर तरह के खतरात से इस ज़िंदगी में महफूज रखता है। इसलिए आएँ आज उस पर ईमान रखें, और जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उससे दरख्वास्त करें कि वो अपनी हिफाजत हमें दिखाए, अपनी मुहाफ़ज़त हमें दिखाए। बहुत साल पहले की बात है कि मैं एक दफ़ा दुआ कर रहा था, तो मैं अक्सर अकेला दुआ करता होता था, तो मुझे कभी कभी बहुत डर लगा करता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो एक दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मेरी चारों तरफ जो दीवारें हैं उनके ऊपर मसीह का खून लगा हुआ है, और वो दिन था जिस दिन मेरा सारा डर, सारा खौफ और सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे चारों तरफ से मसीह यीशु ने अपने खून की कुदरत से घिरा हुआ। तो फिर मुझे डरना क्यों चाहिए? इसलिए आए जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, खुदा उनसे दुआ करते हैं, तो उसको कहें कि वो आपको ये एहसास बख्शे कि उसने आगे से भी आपको घेरा हुआ है और उसने पीछे से भी घेरा हुआ है, वो आपके आगे आगे भी चलता है और आपके पीछे से ही मुहाफ़ज़त करता है। आपका वो दुश्मन जो कहीं दूर बैठ के आपके खिलाफ सियासतें कर रहा है, वो उसकी सियासतों को भी तबाह बर्बाद कर देगा, और जो आपके सामने आकर आपकी मुखालफत करने के लिए तैयार है वो उसको भी संभालेगा, वो संभालता रहा है और हमेशा संभालता रहेगा।
आएँ, अपनी आँखें बंद करें और दुआ करें। कुदूस खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारे आगे आगे चलता है और हमारी मुहाफ़ज़त करता है। तूने हमें कल भी संभाला था, तो आज भी संभालेगा और हमेशा तक संभालता रहेगा। तू हमारा हरावल और चंडावल है, तू हमारे आगे आगे भी चलता है और तू हमारे पीछे से भी मुहाफ़ज़त करता है, ताकि कोई तेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके, ना हमें कहीं से तेज़ तेज़ चल के निकलने की ज़रूरत है जो इंसान डर की वजह से करता है, और ना ही कहीं से जान बचाकर भागने की ज़रूरत है जैसे कई दफ़ा इंसान अपनी ज़िंदगी में करते हैं, बल्कि हमें फजल दे के हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में ये एहसास अपने अंदर रख सकें कि तू हमारा हरावल और चंडावल है, तू हमारा वो दस्ता है जो हमारे मुखालफीन को तहबाला कर सकता है, और तू हमारा वो खुदा है जो हमारे पीछे, हमारे पीठ पीछे होने वाले हमलों से भी हमें बचाता है। ये फजल दे कि ना सिर्फ हमारा ये घराना अपने ईमान में इस आयत के हवाले से मजबूत हो सके, बल्कि वो घराना जो हमें ऑनलाइन सुन रहा है उनको भी खुदावंदा अपने में मजबूत होने का फजल बख्श दे, उन्हें हर तरह की बरकतें दे, नेमतें दे, बीमारियों को दूर कर, शिफा दे, रुपया पैसा दे, कलाम दे, और हर तरह की बरकत खुदावंदा जो तू उनकी ज़िंदगियों को बख्शना चाहता है बख्श दे, कि वो तुझ में बढ़ते जाए, तरक्की करते रहें और हम तुझ में इसी तरीके से मजबूत होकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन।